teacher. Share. Subscribe. Yay! आज मैंने अपना दिन अपने नानाजी के साथ बिताया है एंड ये ब्लॉग उतना ही खूबसूरत है जितना उनका एनर्जी। आई होप यू ऑल लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू श्रुति ब्लॉग। हेलो एवरीवन, टाडा, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। एंड आप सुबह कैसे जा रहा है वो मुझे नहीं पता, बट ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल आपको मोटिवेशन या थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट तो जरूर मिलेगा। बट आज का दिन कुछ खास है इसलिए क्योंकि आज मैं अपना दिन बिताने वाली हूँ मेरे दादाजी के साथ विद माई ग्रैंड फादर इन डेमुदे चंडेगुड़ा। एंड दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। इट्स नॉट दैट मैं हर साल आती हूँ, हर साल बिताती हूँ उनके साथ बहुत, क्योंकि मुझे बड़ा बड़ा पसंद है क्योंकि उनका लाइफ एक्सपीरियंसेस वो जो शेयर करते हैं। चंडेगुड़ा बट ही रैन अवे। मैं कौन से रास्ते से जा रही हूँ दिखा रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ पहुँचने वाली हूँ। हम लोग वो आई थी यहाँ से नहीं है रास्ता। डैम शिट मैन, बहुत हो गया हंसी मजाक। अब चलते हैं टू लर्न द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फार्मिंग या दादाजी से जानते हैं कि वो अपनी खेती कैसे करते हैं। तो हम यहाँ यही बात कर रहे हैं कि इसके एंटायर प्रोसेस में करीबन 120 दिन यानी कि 4 महीने लगते हैं और उसके बाद फसल उगने के बाद इसे ट्रैक्टर से हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर घोनी में भर के इसे लेकर जाते हैं। और वही मुझे दादाजी इतने प्यारे तरीके से समझा रहे हैं। अपो इतने आई कहने इतने मशीन वेदर कंडीशंस की वजह से आप कितना सिचुएशन ऐसे फेस करते हो जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स फेस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन नॉर्मल है और इसी के लिए वो कोई ना कोई प्रिवेंशन भी यूज करते हैं। सो द इनिशियल प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग, जब बीज नहीं उगता है तब वो ऐसे दिखता है, वही दादाजी मुझसे कह रहे थे। एंड अपो सो ये है वो जो जब हम राइस को फार्मिंग करने के बाद जो शुरुआत होती है ना वो इससे होती। मुत्तच्छा इन्ने नम्मला शूट इदु मुत्तच्छा नंगने तोनी मुत्तच्छा मुत्तच्छा मुंबई ड्राइवर ड्राइवर आयने जी जोली अदु कहनिते 21 वर्ष मेरा दादाजी। मैं हमेशा से उनसे अटैच्ड हूँ बट आज कहीं ना कहीं मैं उनके कहानी से अटैच हो गई। Being an energetic person at this age, उनकी कहानी इतनी अनोखी है कि 21 साल के उनके ड्राइवर की जर्नी और 40 साल के उनके फार्मिंग की जर्नी से वो इतने खुश है ना। मैंने उनसे यही सवाल किया कि आर यू हैप्पी, आप खुश है ये सब करके? तो हंसे, मुस्कुराया और मुझसे कहा हैप्पी, खुश होना। उससे ज्यादा तो मुझे पेशेंस और ट्रस्ट करना चाहिए राइट इस प्रोसेस में। 4 महीने जब फार्मिंग की प्रोसेस होती है, अगर मैंने उसमें पेशेंस नहीं रखा, ट्रस्ट नहीं किया, then what's the reason of being happy? Wow. मैं अपना रिटायरमेंट प्लान शेयर कर रही थी गांव में आके खेती करने का और इसके दादाजी का रिएक्शन से मुझे ये समझा कि अभी का तो निपटा ले फिर रिटायरमेंट का सोचेंगे। तो दोस्तों हमने आज ये वीडियो शूट किया है मेरे दादाजी के साथ जो एक फार्मर है, जो प्राउड फार्मर है, ठीक है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, माया के लिए कृषि अंदर पर मुझे क्या नेल कृषि, नेल कृषि, नेल कृषि पर ना आई लगी और सोलो मुझे क्या 40 साल से मेरे दादाजी कर रहे हैं। और मैंने जब उनसे पूछा कि आप उनको ये कैसे लगता है तो वो बहुत खुश है ये करने से और वो कहते हैं कि लॉस भी नहीं है प्रॉफिट भी नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। और दिस इज समथिंग मोटिवेशन फॉर दिस मंडे मॉर्निंग। टेल मी हाउ यू फेल्ट इट। अलग मुदुचा धन्यवाद भरी मुदुचा। ये थैंक यू ओकांड। गाइस मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो एंड आल्सो मेक श्योर टू एंजॉय दिस वीडियो बिकॉज़ दिस वीडियो इज समथिंग एक्सक्लूसिव आई एम मेकिंग विद माय ग्रैंडफादर। क्योंकि कुछ मोमेंट्स तो हम हमेशा याद करते हैं उसके बारे में कुछ सीखते नहीं है, तो आज कुछ सीखते हैं उसके बारे में और देखते हैं आप सबको कैसे लगता है।
Till then, make sure to tune in to this video, watch the entire video, make sure to comment it and let me know how did you like it. Till then, this is Shruti signing off. Bye-bye. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കാണുന്നതൊക്കെ പച്ചയാണോന്നാ പറയണു. ഓക്കേ, അപ്പൊ ഇത് ഇതുവരെ വിത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ആ മൂപ്പായിട്ടില്ല. എത്ര മാസം എടുക്കും? 4 മാസം. അപ്പൊ ഇനി ഇത് 4 മാസം.